Excuse me, sir. Okay. So, हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हमने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और लाइन कोडिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पूरे एक कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने उसका ओवरव्यू ले लिया था एंड वी सॉ कि उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और हाउ अ डिजिटल कम्युनिकेशन एक्चुअली वर्क्स। और उसमें हमने मेन चीज़ जो डिस्कस की थी वो उसके दो वेरियंट्स थे, वन वॉज डिजिटल ट्रांसमिशन सिनेरियो एंड द अदर वन वॉज डिजिटल रेडियो। और इसमें हमने बात की थी कि जो डिजिटल ट्रांसमिशन है ये नॉर्मली वायर्ड होती है और डिजिटल रेडियो जो है ये हमेशा वायरलेस होता है। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर हम सिग्नल को दोबारा एक एनालॉग वेव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, हम जो हमारे पास लाइन कोड जनरेट होता है हम उसी को ट्रांसमिट करते हैं ओवर अ वायर्ड मीडियम, जबकि डिजिटल रेडियो के केस में हम उन लाइन कोड्स को यानी उन वेव फॉर्म्स को जो कि हमारी बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एक एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में, क्योंकि वायरलेस मीडियम्स में हमेशा एक एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो उसके हमने फिर मुख्तलिफ मॉड्यूलेशन स्कीम्स देखी थी, जिस तरह हमने बात की थी डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स की, जिसके अंदर बेशुमार वेरिएंट्स हैं, बीपीएस के, क्यूपीएस के, 8पीएस के, क्वाम जिसमें आपके पास 4 क्वाम है, 16 क्वाम है एंड सो एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी वेज जिनके जरिए आप अपने बाइनरी डाटा को एनालॉग वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट वन इज बीपीएस के, जहाँ पे आप एक वन को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक साइन के साथ, ठीक है, साइन ओमेगा सी टी, और जो जीरो है उसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉज ऑफ ओमेगा सी टी। फिर हमने कल जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वी टॉक्ड अबाउट लाइन कोडिंग, जिसके अंदर हमने तीन किस्म की लाइन कोड्स को डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन वॉज यूनिपोलर, देन पोलर एंड थर्ड वन वॉज बायपोलर। और हमने एक लास्ट में एक वेरिएंट देखा था जिसको हम मैनचेस्टर कोडिंग भी कहते हैं। और इन तीनों वेरिएंट्स में यूनिपोलर, पोलर, बायपोलर में हमारे पास दो स्कीम्स हैं, वन इज नोन एज नॉन रिटर्न टू जीरो एंड द अदर वन इज रिटर्न टू जीरो। सो बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कोडिंग यू आर यूजिंग आप उसकी एक स्पेसिफिक वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो आई माइट गिव यू फॉर एग्जाम्पल अ सीक्वेंस लाइक से 1101100, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पोलर रिटर्न टू जीरो की वेवफॉर्म बना के दें। सो आपको पता होना चाहिए, और फॉर एग्जाम्पल आई माइट गिव यू के आपके पास बिट टाइम इतना है, अगर मैं बिट टाइम नहीं देता तो यू कैन अज्यूम कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बिट टाइम वट एवर दिस ड्यूरेशन इज एंड देन दिस इज योर सेकेंड बिट, दिस इज योर थर्ड बिट, दिस इज योर फोर्थ बिट, इन सब की टी बी सेम होनी चाहिए क्योंकि बिट टाइम इज कॉन्स्टेंट, ये फिक्स होता है। और फिर आप पोलर रिटर्न टू जीरो के हिसाब से जो भी वेव फॉर्म बनेगी आप वो ड्रॉ करेंगे बेस्ड अपॉन दीज बिट्स। तो आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल रिसीवर्स एंड रीजनरेटिव रिपीटर्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, यानी डिजिटल रिसीवर्स के बारे में हमने डिटेल में पहले चैप्टर में बात की थी, जहां हमने कहा था कि जो डिजिटल रिसीवर होता है बेसिकली आपके ट्रांसमीटर का ऑपोजिट स्टेप्स होते हैं जो कि रिसीवर में परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। और रीजनरेटिव रिपीटर्स, ये भी हम इस वीक का जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था, इसमें भी हमने रीजनरेटिव रिपीटर्स को डिस्कस किया था कि ये जो रीजनरेटिव रिपीटर्स होते हैं ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है तो ये बीच में आप एक रिपीटर लगाते हैं जिसके अंदर एक कंप्लीट रिसीवर यूनिट होता है और एक कंप्लीट ट्रांसमीटर यूनिट होता है पूरे का पूरा। तो ये ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा
ये रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करेगा, डीमोजुलेट करेगा, डिकोड करेगा और दोबारा इंफॉर्मेशन को 1011 की फॉर्म में ले जाएगा. एक्सक्यूज मी. और फिर ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन उसने एक्सट्रैक्ट की है उसको दोबारा ये ट्रांसमीटर जो है ये दोबारा एनकोड करेगा, फिर उसके बाद मॉड्यूलेट करेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा. तो ये जो आपके पास एक यूनिट होता है दिस इज नोन एज रीजनरेटिव रिपीटर. तो हम जनरली इन दोनों सर, टॉपिक्स के बारे में बात पहले कर चुके हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. जी सर ये जो रीजनरेटर है सर, ये डिजिटल ट्रांसमिशन में होता है या रेडियो में होता है या दोनों में होता है? ठीक वायरलेस में, ठीक है, है सर। वायरलेस जब भी आप बात करते हैं ना कम्युनिकेशन, उसमें आपको रीजनरेटिव रिपीटर्स की जरूरत होती है. लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम वायर्ड भी है फॉर एग्जांपल, तो उन वायर्ड सिस्टम्स के बीच में भी आप एक रीजनरेटिव रिपीटर लगा सकते हैं, क्योंकि मेन रीजनरेटिव रिपीटर्स का मकसद क्या है कि जो सिग्नल डिग्रेडेशन होती है इस मीडियम की वजह से, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि देर आर थ्री वेज जिनकी वजह से सिग्नल डिग्रेड हो सकता है, कि SNR आपकी कम हो जाए, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बढ़ जाए या फिर डिस्टेंस बढ़ जाए, इन इन तीनों केसेस में आपका सिग्नल जो है वो डिग्रेड कर जाएगा. अगर सिग्नल डिग्रेड कर जाएगा तो रिसीवर पे आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो आपके पास ये जो सिग्नल डिग्रेडेशन है ये दोनों केसेस में हो सकती है, डिजिटल ट्रांसमिशन में भी हो सकती है, रेडियो में भी हो सकती है. अगर आपके पास या छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल एक घर को किसी दूसरे घर के साथ लैन की केबल के साथ अगर आप कनेक्ट करें, तो लैन की जो केबल होती है अगर आप उसके ऊपर उसकी रेटिंग्स पढ़ें तो उसमें उसकी अटेनुएशन का एक पैरामीटर लिखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो केबल है ये 0.5 dB पर, से मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, पर किलोमीटर या पर मीटर, इस तरह करके उसके ऊपर एक आपको एक फिगर नजर आ रही होगी कि ये जो केबल है ये फॉर एग्जाम्पल हर मीटर या हर किलोमीटर जो भी यहाँ पे लेंथ का एक्सटेंडेड दिया होगा, हर इतने मीटर के बाद या हर इतने किलोमीटर के बाद आपका सिग्नल इतने dB रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज द अटेनुएशन व्हिच इज कॉज्ड बाय डिस्टेंस. ये उस केबल की प्रॉपर्टी होती है. तो आप उस हिसाब से देखते हैं कि यार अगर मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ जो मैं इतनी ट्रांसमिट कर रहा हूँ और अगर मेरी केबल की लेंथ इतनी ज्यादा है तो प्रॉबली मुझे रिसीवर साइड पे वो सिग्नल करेक्टली नहीं मिलेगा. तो इस केस में हम फिर बीच में एक कुछ रिपीटर्स लगाते हैं उस पूरे चैनल के अंदर, सो दैट आपके पास जो सिग्नल है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होके उसकी SNR इंप्रूव हो जाए और आप उसको रिसीवर पे रिसीव कर सकें. सो दिस काइंड ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर्स दे कैन बी इन बोथ केसेस, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो डिजिटल रेडियो की ले रहे हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो अपनी बात कर रहे होते हैं वो हम वायरलेस कम्युनिकेशन की कर रहे होते हैं, बट इट कैन बी इन इन बोथ द केसेस. तो लेट्स क्विकली जंप टू द लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है, जिसके अंदर हम आज थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे. जो हमने लाइन कोडिंग के अंदर सिर्फ ये एक बात की थी कि कुछ कोड्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ जो है वो दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो हम सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक भी जो है वो आज हम इसमें कवर करेंगे एंड वी विल सी कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है. सो हमने मैनचेस्टर सिग्नलिंग पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था. आज हम बात करेंगे डिजिटल रिसीवर्स एंड रीजनरेटिव रिपीटर्स के बारे में. सो बेसिकली रीजनरेटिव रिपीटर्स में तो हम बेसिकली सिग्नल रीजनरेट करने की बात करेंगे. डिजिटल रिसीवर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हम फोकस करेंगे, ठीक है. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दी द इंफॉर्मेशन के रीजनरेटिव रिपीटर्स आर यूज एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग ए डिजिटल ट्रांसमिशन लाइन टू डिटेक्ट द इनकमिंग सिग्नल एंड रीजनरेट न्यू, न्यू मीन्स क्लीन पल्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन अलॉन्ग द लाइन. यही इसका मेन पर्पज है रीजनरेटिव रिपीटर्स का. सो अ रिसीवर और अ रीजनरेटिव रिपीटर परफॉर्म्स थ्री फंक्शन. जिस आपसे बाकी के जो रीजनरेटिव रिपीटर होता है इसमें भी एक रिसीवर होता है और जो आपका मेन फाइनल रिसीवर होता है उसके अंदर भी ये फंक्शनैलिटी होती है. तो ख्वा आपका फाइनल रिसीवर हो जिसके लिए आपका डाटा इंटेंडेड है, या बीच में जो रिपीटर्स हैं उनके अंदर भी चूंकि रिसीवर लगा होता है उसके तीन फंक्शन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल रिसीवर्स राइट नाउ. सो सबसे पहला काम उसने क्या करना है, उसने रीशेपिंग करनी है इनकमिंग पल्स की यूजिंग एन इक्वलाइजर. आपको ये लास्ट टाइम मैंने उनको बताया था कि जब चैनल से डाटा गुजरता है तो उसके ऊपर चैनल के इफेक्ट्स होते हैं. जैसे हमने एक इक्वेशन देखी थी वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एन, तो हमने कहा था कि ये जो एच है ये चैनल का इफेक्ट है, ठीक है, और इस चैनल के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने इक्वलाइजर्स को देखा था.
और बेसिकली इक्वलाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर इनवर्स ऑफ दैट चैनल रिस्पॉन्स. जो भी चैनल का इफेक्ट होगा, जो इक्वलाइजर आप यूज करेंगे वो उस इक्वलाइजर का इनवर्स होगा. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वलाइजर, जिसको हम जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर कहते हैं. बाकी ये कैसे बनता है, लीव दिस थिंग राइट नाउ. तो जब आप जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर यूज करेंगे रिसीवर पे, आपने रिसीव किया सिग्नल y, तो आपके पास है फॉर एग्जांपल जो रिसीव्ड सिग्नल है y, ये जो आपको मिला इसको आप एक इक्वलाइजर से गुजारे, तो बेसिकली क्या होगा, दिस इक्वलाइजर इज 1 बाय h और y इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एन. जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेस गेट x प्लस एन डिवाइडेड बाय h. दिस इज योर रिसीव्ड सिग्नल आफ्टर इक्वलाइजेशन. अब हम अगर गौर से देखें कि रिसीवर साइड पे इस इक्वलाइजर ने क्या किया, इसने आपने आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है इस, इट इज योर एक्चुअल एक्स जो आपने ट्रांसमिट किया था प्लस सम फिल्टर्ड नॉइज. तो इसकी वजह से हम आर को कहते हैं कि ये एस्टीमेशन ऑफ एक्स है. एस्टीमेशन क्यों है, क्योंकि ये जो एक्स हैट है, दिस हैट एक्स हैट इज एक्स प्लस एन बाय एच. दिस इज द नॉइज फैक्टर दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन योर एस्टिमेशन. या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, x hat is equal to x plus e n, क्योंकि e की वैल्यू थी 1 over h, which is this equalizer. तो ये जो equalized noise है, ये act करती है noise आपकी estimation के अंदर, ठीक है. So ये इसका एक main purpose है आपके equalizer का, जो आप receiver के अंदर use करते हैं to overcome the effect of noise. अब ये एक किस्म है जीरो फोर्सिंग की. इस तरह मिनिमम मीन स्क्वेयर इक्वलाइजर भी हैं, जीरो फोर्सिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. इसी तरह आपके पास डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशंस होती हैं. दीज आर सो मेनी डिफरेंट इक्वलाइजिंग टेक्निक्स जिनको यूज करके आप अपने सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चूंकि अभी इट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, तो हम इन इक्वलाइजर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है कि आपका जो इक्वलाइजर है, इसका मेन मकसद ये होता है कि वो चैनल के इफेक्ट्स को ओवरकम करता है. तो एक्सट्रैक्ट द इनकमिंग एक्सट्रैक्ट द टाइमिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सैंपल इनकमिंग पल्सेस एट द ऑप्टिमम इंस्टेंसेस. सो पहला काम तो उसने ये कि आपके सिग्नल को इक्वलाइज कर दिया. अगला काम उसने करना है कि टाइमिंग की जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट आप इनकमिंग पल्सेस को ऑप्टिमम इंस्टेंसेस पे सैंपल कर सकें. ये बात करने का मकसद क्या है कि जब आपने इक्वलाइज कर दिया, तो ये जो आपका एक्स डाटा आपको रिसीव हुआ है, ये एक्स डाटा क्या है, ये वो लाइन कोड है जो आपने ट्रांसमिट की थी. तो आपने अगर फॉर एग्जांपल लाइन कोड सेलेक्ट की थी, तो इक्वलाइज करने के बाद दिस इज बेसिकली योर सिग्नल एक्स. तो जो एक्स हैट है, जिस तरह हमने अभी बात की कि एक्स हैट इज एक्स प्लस ई एन, तो इसका मतलब है जो रिसीव्ड आपके पास सिग्नल आएगा वो ये एक्चुअल वेवफॉर्म होगी प्लस उसमें नॉइज ऐड हुई होगी. तो आपके पास सिग्नल में भी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. इस तरह का सिग्नल आपको रिकवर होगा. दिस इज योर एक्स हैट. अब फॉर एग्जांपल आपने अब देखना है कि भाई ये जो पहली बिट, ये जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है, ये पहला ऑल्दो इट वॉज वन, दिस वॉज जीरो वन 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 जीरो 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 वन वन. तो ये जो पहली वन है, हाउ वुड आई नो के कहां पे मैं सैंपल करूं, तो मैं कहूंगा कि ये जो पूरा बिट ड्यूरेशन है ये वन को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बात की थी, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास करेक्ट टाइमिंग इंस्टेंस क्या है, कि यहां से मैंने सैंपल्स को देखना शुरू करना है फॉर 1 TB ड्यूरेशन. तो मैं यहां पे मुख्तलिफ अप्रोचेस फॉलो कर सकता हूं. मैं ये भी कर सकता हूं कि चूंकि मेरे पास यहां पे टाइमिंग शुरू हो रही है, यहां पे ये खत्म हो रही है एक बिट के लिए, तो मैं इसके मिड का जो सैंपल है उसको देख लूं, ठीक है, व्हाटएवर द, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हो सकते हैं मेरे पास 100 हो इस ड्यूरेशन के अंदर. कि मिसाल के तौर पे आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है 1000 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, और आपकी जो बिट टाइम है वो आपके पास से 1 सेकेंड है. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे इस टीवी के अंदर, ठीक है. तो मेरे पास 1000 सैंपल्स होंगे इस ड्यूरेशन के अंदर. अब इन 1000 सैंपल्स को देख के मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये 1 है या 0 है. एक अप्रोच हो सकती है कि मैं इन सारे सैंपल्स की एवरेज वैल्यू निकाल लूं, इन तमाम सैंपल्स को ऐड कर लूं और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल कर दूं, तो मुझे एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. उस एवरेज वैल्यू को थ्रेशोल्ड से कंपेयर कर लूं, जिस तरह मैंने कहा था कि 3.5 से ऊपर हो
तो वो 1 है, और 1.5 से वो नीचे हो तो वो 0 है। एक अप्रोच ये हो सकती है, एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम कहें कि अच्छा यार जो इसका मिडल सैंपल है हम उसको देख लें खाली, क्योंकि हो सकता है कोई टाइमिंग के अंदर कोई इशू हो, तो मे बी हम यहाँ से सैंपल करना शुरू कर रहे हैं और वो सैंपलिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी एवरेज वैल्यू हम सेंटर वाली वैल्यू को देख लेते हैं जो मे बी समवेयर यहाँ होगी, तो हम कहेंगे यार ये 1 है, दिस कुड बी अनदर अप्रोच। बट इन एनी केस आपके इक्वलाइजर के लिए जरूरी है कि इसको पता हो कि इसने टाइमिंग शुरू कहाँ से करनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप टाइमिंग गलत शुरू करते हैं तो इवन द सेंटर पॉइंट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, तो वो भी एक लोअर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपका जो रीजनरेटिव रिपीटर या जो रिसीवर है इट शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द टाइमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिग्नल। अच्छा लेट मी, दिस इज वेयर द सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली कम्स इन, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ दिस। So, ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके रिसीवर या रीजनरेटिव रिपीटर को करना जरूरी है। नंबर 3, मेकिंग सिंपल डिटेक्शन डिसीजन बेस्ड ऑन द इंपल्स सैंपल। अब जब टाइमिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो आपने वो जो सैंपल्स आपको मिले हुए हैं उनको देख के यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि वो सिंबल क्या है, वो 1 है या 0 है या व्हाट दैट वैल्यू इज, 1 है या 0 है, या अगर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है 0 0 है 0 1 है, अगर आपने दो दो बिट्स का एक सिंबल लिया हुआ है 0 0 है 0 1 है 1 0 है 1 1 है, ठीक है, ये आपने उन पल्सेस के सैंपल्स को देख के एंड यूजिंग दिस टाइमिंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिसाइड ये 0 0 है या यानी कौन सा ये बिट सीक्वेंस है। सो योर ओवरऑल सिस्टम वुड लुक समथिंग लाइक दिस कि आपके पास जो सिग्नल है यहाँ से आपका सिग्नल आया, आपके मीडियम से गुजरा, तो दिस इज योर चैनल एच और इसमें नॉइज एड हो गई, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया वाई इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एन। अब यहाँ पे प्री एम्पलीफायर और इक्वलाइजर लगा हुआ है और यहाँ पे प्री एम्पलीफिकेशन एंड इक्वलाइजेशन से क्या हो रहा है, प्री एम्पलीफिकेशन क्या कर रहा है, आपके सिग्नल को थोड़ा बूस्ट दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उससे नॉइज भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका एक्स भी इंप्रूव हो जाएगा। और इक्वलाइजर क्या करेगा, वो इस एच को ओवरकम करेगा, तो यहाँ पे आपको जो सिग्नल मिलेगा एट दिस पॉइंट इट इज एक्स हैट, जिस तरह हमने देखा था कि एक्स प्लस ई एन, ये कहते हैं हम इसको, ये सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली इट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्क्वेयर पल्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्वेयर पल्स दैट वी हैव ट्रांसमिटेड, तो हमें इस तरह का एक सिग्नल मिलेगा एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर इक्वलाइजेशन का इफेक्ट आ रहा है जो कि ये नॉइज एंटर हो रही है इसके अंदर, तो ये सिग्नल वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे दो चीजें आपने करनी है, नंबर 1, एक तो आपने इसमें से एक टाइमिंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि किस इंस्टेंट पे मैंने टाइमिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। जब आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके आप यूज करेंगे इसी सिग्नल के अंदर, लेट मी क्लियर दिस ताकि आपको जरा क्लियरली समझ आए, तो इसी टाइमिंग इंफॉर्मेशन को जो कि आप इस पॉइंट पे जो ये सिग्नल है इससे आप ये टाइमिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इसी टाइमिंग को यूज करके आप सैंपल एंड डिसीजन लेंगे कहां पे मैंने सैंपलिंग करना है, कि किस इंस्टेंट को देख के मैंने डिसाइड करना है कि ये 1 है या 0 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मुझे अपना बाइनरी डाटा मिल जाएगा, तो अगर तो मैं एक सिंपल रिसीवर की बात कर रहा हूं तो दिस इज द आउटपुट ऑफ माय सिस्टम, लेकिन अगर मैं एक रीजनरेटिव रिपीटर की बात कर रहा हूं तो वो फिर इस बाइनरी डाटा को लेगा और रीजनरेट कर देगा उन पल्सेस की फॉर्म में जो यहां पे हमने ट्रांसमिट की थी, जिस तरह हमने बात की कि ये दो पल्सेस ये ऐसे है, तो ये पल्सेस हमने दोबारा जनरेट की और फिर हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया। सो दिस इज हाउ आवर डिजिटल रिसीवर और अ रीजनरेटिव रिपीटर एक्चुअली वर्क्स। सो दीज आर द 3 मेन यू कैन से एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिसीवर और अ रीजनरेटिव रिपीटर, ये इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। इक्वलाइजर का काम क्या है, अ पल्स ट्रेन इज अटेन्यूएटेड एंड डिस्टॉर्टेड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। द अटेन्यूएशन इज कंपनसेटेड बाय प्री एम्पलीफायर, ये जो हमने प्री एम्पलीफिकेशन की बात की थी यहाँ पे, इस प्री एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि जो अटेन्यूएशन हो रही है आपके चैनल की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए हम प्री एम्पलीफायर यूज करते हैं। द डिस्टॉर्शन इज कंपनसेटेड बाय द इक्वलाइजर, तो अटेन्यूएशन जो होगी आपके चैनल में वो प्री एम्पलीफायर उसको बूस्ट कर देगा, लेकिन जो चैनल का इफेक्ट है जो डिस्टॉर्शन अकर हो रही है उसको इक्वलाइजर जो है वो ओवरकम करता है। तो प्री एम्पलीफिकेशन और इक्वलाइजर इट एक्चुअली
एक्ट एज अ पेयर, जिस तरह हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, प्री एम्प्लीफिकेशन एंड इक्वलाइजेशन, एक अटेनुएशन को ओवरकम कर रहा है और एक डिस्टॉर्शन को ओवरकम कर रहा है. द चैनल डिस्टॉर्शन इज ए फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन. ये जैसे हमने बात की थी कि अगर चैनल लीनियर है तो ये डिस्पर्शन टाइम डोमेन होगी, अगर ये चैनल नॉन लीनियर है तो डिस्पर्शन कहाँ होगी? फ्रीक्वेंसी डोमेन. जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्पर्शन होगी. सो इट कैन कॉज कॉज्ड बाय एन अटेन्यूएशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा पल्स ट्रेन. तो आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उन पे इफेक्ट हो सकता है इस किस्म की डिस्पर्शन का, जिससे हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग भी कहते हैं. सो एन इक्वलाइजर शुड हैव अ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इनवर्स ऑफ दैट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम. अगर आपका चैनल एच है तो इक्वलाइजर का इनवर्स होना चाहिए, इट शुड बी 1/h. दिस विल रिस्टोर द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड एलिमिनेट द पल्स डिस्पर्शन. तो चैनल का इफेक्ट जो है जब उसको 1/h से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली इट विल ऑल्सो बूस्ट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द चैनल नॉइज एज वेल. तो ये जिस तरह हमने बात की थी कि y इज इक्वल टू एच एस प्लस एन है और आप r इज इक्वल टू ई वाई जब करते हैं, यानी इसको इक्वलाइजर से गुजारते हैं, तो x प्लस एन बाई एच आ जाता है. तो हम ये देख रहे हैं कि इसने नॉइज को भी एनहेंस कर दिया है इस इक्वलाइजेशन ने. जब हमने e को n से मल्टीप्लाई किया तो उसने नॉइज के भी उन कॉम्पोनेंट्स को इफेक्ट किया जिसको हम नॉइज एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है टाइमिंग एक्सट्रैक्शन का, जो कि आपके इक्वलाइजर्स और जो आपका रीजनरेटिव रिपीटर्स हैं उनके अंदर, सॉरी रिसीवर्स और रीजनरेटिव रिपीटर्स में, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इसके बगैर आप सिग्नल को रीजनरेट नहीं कर सकते. वी विल टॉक अबाउट हाउ दिस टाइमिंग एक्सट्रैक्शन इज एक्चुअली डन. सो लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस बिफोर आई फॉरगॉट अगेन. सो डाउनलोड. सो टाइमिंग एक्सट्रैक्शन में हम बात करेंगे कि जो रिसीव्ड सिग्नल आपको मिल रहा है, जो डिजिटल सिग्नल है, इट नीड्स टू बी सैम्पल एट द प्रिसाइज इंस्टेंट. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस इंस्टेंट पे हमने उसको सैम्पल करना है. सो दिस रिक्वायर्स अ क्लॉक सिग्नल एट द रिसीवर इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक सिग्नल एट द ट्रांसमीटर. तो इसका मतलब है कि जिस इंस्टेंट पे आपका सिग्नल हुआ हुआ था ट्रांसमीटर साइड पे सिंक्रोनाइज, आपका रिसीवर भी उसी इंस्टेंट पे उसको सैंपल करना शुरू करें. तो ये दोनों क्लॉक्स जो हैं ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए एट द सेम टाइम. इसको हम सिंबल या बिट सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं. जिस टाइम पे ये बिट स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे ये वाली बिट स्टार्ट हो एट द रिसीवर साइड. ठीक है, और इसके अंदर हम कंपनसेट करते हैं चैनल रिस्पॉन्स की वजह से जो डिले आता है. जैसे हमने बात की थी जब सिग्नल गुजरता है आपके चैनल में से तो उसमें एक डिले इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो ये जो आपस दोनों सिग्नल्स हैं दे शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर, और उसके अंदर वो जो चैनल का रिस्पांस का डिले है वो भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है, सो दैट हमें चैनल डिले को भी हम ओवरकम करते हैं इसके अंदर. देर आर थ्री मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. तीन तरीके से हम ये टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डेरिवेशन फ्रॉम अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. मीन्स के जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है ये किसी एक मास्टर टाइमिंग सोर्स के साथ सिंक हुए हुए हो. मीन्स कि एक थर्ड पार्टी एक क्लॉक है, आपका जो ट्रांसमीटर है वो भी अपनी क्लॉक को इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है और आपका रिसीवर भी जो है वो इसी क्लॉक के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहा है. तो जब आपका मास्टर क्लॉक सेम होगी तो दोनों आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है बोथ विल बी सिंक्रोनाइज्ड. इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके जो मोबाइल फोन है आप चाहें तो लोकल क्लॉक भी उस पर सेट कर सकते हैं जो आपकी घड़ी के ऊपर टाइम आ रहा होता है. दूसरा तरीका क्या, आप नेटवर्क का टाइम भी उसमें ले सकते हैं. आपके पास ऑप्शन आता है ना कि सिलेक्ट द टाइम फ्रॉम द नेटवर्क, तो वो आपका टाइम जोन और टाइम जो उस वक्त करंट टाइम है वो आपके नेटवर्क ऑपरेटर से उठा लेता है. तो वो बेसिकली क्या कर रहा है आपका मोबाइल, वो आपका जो मोबाइल फोन की जो क्लॉक है उसको सिंक कर रहा है आपके जो नेटवर्क का क्लॉक है, यानी जो BTS लगा हुआ है, टेलीफोन का जो टावर लगा हुआ है उसके साथ, चूंकि वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहा है तो वो उस टावर का जो क्लॉक है उसको उससे अपनी टाइम की जो इंफॉर्मेशन है उसको अक्वायर कर लेगा. दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने लोकल
क्लॉक को सेट कर लें, वो आपकी मर्जी, आप हो सकता है उसमें आप 1 या 2 मिनट आप गलत टाइम को सेट करें, प्रॉब्ली जिस घड़ी से आप टाइम देख के उसको सेट कर रहे हैं वो 2-3 मिनट आगे या पीछे है, लेकिन अगर आप नेटवर्क की क्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रिसाइसली उस टाइम के ऊपर होगी जिसके ऊपर आपकी आपका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। सो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का एक तरीका तो ये है कि आप एक मास्टर क्लॉक अलग से लें और अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों अपनी क्लॉक्स को सेट करें उस मास्टर क्लॉक की मदद से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम ट्रांसमिटिंग अ सेपरेट सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जिसको हम पायलट क्लॉक कहते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो है वो अपने डाटा के साथ ट्रांसमिट करें, क्योंकि क्लॉक क्या है, क्लॉक एक सीक्वेंस ऑफ पल्सेज है, ये एक क्लॉक है जिसका एक खास रेट है, ठीक है, कितनी पल्सेस पर सेकेंड, ये उस क्लॉक को, तो जिस तरह हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल घड़ी होती है जो हमारे घरों में लगी हुई है उसका रेट क्या है, वो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स गुजारती है, ये उसका रेट है बेसिकली, 60 पल्सेस पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी एक पल्स जो है वो 1 सेकेंड की होगी। इसी तरह हमारे पास जिस भी क्लॉक का सिग्नल हमें चाहिए वो दैट मेनी पल्सेस पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस तरह का जो क्लॉक सिग्नल है, क्योंकि ये क्लॉक क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, आपको पता है जो स्क्वायर पल्स होती है इसके अंदर एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और बाकी उसके हार्मोनिक्स होते हैं, तो हम अगर इस क्लॉक सिग्नल को अपने डेटा के साथ ही ट्रांसमिट कर दें तो हम कहेंगे कि वी ट्रांसमिटिंग द पायलट क्लॉक अलॉन्ग विद द एक्चुअल ट्रांसमिशन। और अगेन रिसीवर साइड पर जिस तरह हमने फुल AM के केस में बात की थी कि हम जो पायलट सिग्नल भेज रहे हैं साथ उसको यूज करके हम कोहेरेंट डिटेक्शन कर सकते हैं, इसी तरह सिंक्रोनाइजेशन के केस में भी हम उस पायलट क्लॉक को यूज करके अपनी जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि टाइमिंग इंफॉर्मेशन जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल इटसेल्फ, कि जो हमने बाइनरी सीक्वेंस ट्रांसमिट किया है, जो भी हमने लाइन कोड यूज किया, तो अगर वो लाइन कोड हमारा ट्रांसपेरेंट है मींस कि हम उस कोड को यूज करके टाइमिंग सिग्नल खुद ब खुद जनरेट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा लाइन कोड है जो कि सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं अचीव कर सकता तो यू वुड हैव टू गो फॉर एनी वन ऑफ दीज टू मेथड्स। अदरवाइज अगर आपका कोड ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह मैनचेस्टर कोडिंग की हमने बात की थी, विच इज वेल नोन एंड मोस्टली यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ये जो मैनचेस्टर कोडिंग है, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, दिस कोड एक्चुअली कैन हैव सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन। वो उस कोड को ही देखकर बता सकता है कि किस इंसिडेंट के ऊपर आपने सैम्पलिंग स्टार्ट करनी है। सो दीज आर द 3 ways इन विच यू कैन एक्चुअली परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट देम। सो जो पहला मेथड है, अब हम बात करेंगे पहला और दूसरा मेथड किस केसेस में अप्लाई होता है, और हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड को, क्योंकि दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज। So because of its high cost, the first method is suitable for large volumes of data and high speed communication system. तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा है और बहुत हाई स्पीड आपको चाहिए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, तो वी कैन एक्चुअली अफोर्ड हायर कॉस्ट, ठीक है। तो हम हायर कॉस्ट का मतलब क्या कि अब आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलावा एक और मास्टर सोर्स भी लगा रहे हैं जिससे आपका ये ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली पुटिंग इन मोर मनी इनटू योर कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है आपका सिस्टम जो है वो बहुत से यूजर्स को अकोमोडेट कर रहा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी आप जनरेट कर रहे हैं और आपको हाई स्पीड भी चाहिए, तो इट इज ऑलवेज अफोर्डेबल टू हैव अ मास्टर क्लॉक इन ऑर्डर टू अवॉइड द टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन इशू, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो सेकंड मेथड है, इन विच पार्ट ऑफ द चैनल कैपेसिटी इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, अब सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम उस टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब आप उस इन्फॉर्मेशन को साथ ट्रांसमिट करेंगे यू वुड एक्चुअली कंज्यूम सम पार्ट ऑफ योर चैनल कैपेसिटी, यानी जितनी बैंडविड्थ आपको अवेलेबल है उस बैंडविड्थ में से कुछ पार्ट आप यूज कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट एफिशिएंटली यूजिंग दैट कैपेसिटी, क्योंकि उसमें आप इन्फॉर्मेशन तो भेज ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये वाला सेकेंड केस इट इज ओनली सूटेबल वेन द अवेलेबल कैपेसिटी इज लार्ज इन कंपेरिजन टू द डाटा रेट, तो ये चीज आप तब
अप्लाई करते हैं तब जब आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा अवेलेबल है और जो डाटा आपने भेजना है वो कम है। तो अगर आपके पास डाटा कम है, बैंडविड्थ ज्यादा है, तो आप क्योंकि बैंडविड्थ तो वैसे भी वेस्ट ही हो रही है, यू आर नॉट यूजिंग इट, तो यू कैन ट्रांसमिट द टाइमिंग इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द डाटा। ठीक है, जो थर्ड मेथड है इट इज वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ टाइमिंग एक्सट्रैक्शन और क्लॉक रिकवरी बिकॉज द टाइमिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड मैसेज सिग्नल इटसेल्फ। दिस थर्ड मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। क्या आप पूरी बैंडविड्थ भी यूज कर रहे हैं, उस पूरी बैंडविड्थ के ऊपर अपना पूरा डाटा भी भेज रहे हैं, ठीक है, और आप कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगा रहे मास्टर क्लॉक यूज करने के लिए, और जबकि उसी सिग्नल में से आप अपनी टाइमिंग को रिकवर कर लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ टाइमिंग एक्सट्रैक्शन एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये जो थर्ड मेथड है आपका। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन मेथड, जिसके अंदर आप डाटा को देख के ही यू कैन डिसाइड कि ये डाटा जो है ये कैसे अपनी टाइमिंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। सो अब ये टाइमिंग एक्सट्रैक्शन होती कैसे है? If the pulses are transmitted at a rate of RB pulses per second, यानी ये उसका rate है, उस bit rate की बात हो रही है, तो this B represent bits, R represent rate, तो आपकी जो bits हैं वो इतने pulses per second के हिसाब से वो transmit हो रही हैं, so हमें क्या चाहिए? We require a periodic timing information, that is the clock at the same rate. तो अगर मेरे पास ये signal है, ठीक है, तो मुझे एक क्लॉक चाहिए उसको सैंपल करने के लिए जिसका रेट भी यही हो, यानी अगर ये बिट रेट जो है वो फॉर एग्जांपल एक बिट रिप्रेजेंट हो रही है फॉर एग्जांपल इस ड्यूरेशन से, तो मेरी क्लॉक शुड बी हेयर एट द सेंटर, इसके लिए यहाँ पे क्लॉक होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सैंपल होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सैंपल होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे सैंपल होना चाहिए। अब अगर मैं गौर से देखूँ कि मेरा अगर डाटा रेट जो है वो 1000 बिट्स पर सेकेंड है, तो इसके लिए जो टाइमिंग क्लॉक होगी वो कितने कितने पल्सेस पर सेकंड होनी चाहिए? 1000 पल्सेस पर सेकंड ही होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पल्स के साथ मैं एक बिट को मैं सैंपल कर रहा हूं। ठीक है, अब हमें देखिए ये तो पता है कि हमने किस इंस्टेंट पे उसको सैंपल करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैनचेस्टर कोडिंग है या जो ट्रांसपेरेंट कोडिंग स्कीम्स होती हैं उनका हम बता सकते हैं कि वेयर द एक्चुअल टाइमिंग इंस्टेंट और वेयर द एक्चुअल बिट इंस्टेंट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि हमें उन ट्रांजिशंस का पता है कि ट्रांजिशंस हमेशा TB/2 पे सेट हो रही हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हमने जो उस एक बिट की वैल्यू देखनी है, जिस हमने बात की थी, एक अप्रोच हो सकती है कि हम इन सारी वैल्यूज की एवरेज वैल्यू ले लें, लेकिन एक आसान तरीका ये है कि हम इसके मिड पे करके हम उसका एक सैंपल देख लें कि ये वैल्यू 1 है या 0 है। दिस इज मोर इजियर वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट बिट। तो उसके लिए जो हमें पल्सेस चाहिए होंगी क्लॉक की, दे शुड बी ऑल्सो एट द सेम रेट, वो भी RB हर्ट्ज के ऊपर होनी चाहिए ताकि हम उसको फाइंड आउट कर सकें। सो द टाइमिंग इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल इटसेल्फ इफ द लाइन कोड इज चोजन प्रॉपरली। ये वही ट्रांसपेरेंट कोड की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट कोड होगा तो आप ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिटर्न टू जी पोलर है, RZ पोलर, ठीक है, ये वो स्कीम है जिसके अंदर हमने बात की थी कि ये सिग्नल जो है ये आपके पास टाइमिंग इंफॉर्मेशन रखता है। कैसे? आपको याद होगा पोलर रिटर्न टू जीरो क्या होता है? पोलर मींस कि हाफ ऑफ द सीक्वेंस के लिए आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करेगा और सेकेंड हाफ में वो जीरो पे चला जाएगा, पोलर रिटर्न टू जीरो में। तो मेरे पास 1 0 1 0 1 0 ये सिग्नल है, तो हम इसकी वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे कि 1 के लिए फर्स्ट हाफ, ये मेरा समझो 0 की लाइन है, फर्स्ट हाफ में ये 1 है और फिर ये 0 है, ये फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है और फिर ये 0 है, फिर ये फर्स्ट हाफ में 1 है और फिर ये 0 है, ये फिर फर्स्ट हाफ में नेगेटिव पल्स है और फिर 0 है, फिर पॉजिटिव पल्स है और फिर 0 है। तो मेरे पास ये वेव फॉर्म जनरेट होती थी पोलर रिटर्न टू जीरो में। ठीक है, ठीक हो गया, दिस इज पोलर रिटर्न टू जीरो। तो हमने ये बात की थी कि ये जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है ये दिस इज दिस काइंड ऑफ अ वेव फॉर्म, इट इज ट्रांसपेरेंट, और अब हम देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल रिटर्न टू जीरो पोलर सिग्नल इज रेक्टिफाइड, अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूं, रेक्टिफिकेशन क्या होती है बेसिकली?
अगर मेरे पास ये एक साइनोसाइडल है, मैं इसको एक रेक्टिफायर सर्किट से गुजारूं, तो रेक्टिफायर क्या करेगा? से नेगेटिव पीक्स को खत्म कर देता है, जी नेगेटिव पीक्स को खत्म कर लेगा। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सो नेगेटिव साइड को खत्म कर देता है। आई डोंट नो, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नेटवर्क, लेकिन चलें फिर भी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सर रेक्टिफिकेशन में क्या होता आवाज है सही आ रही कि है सर, आपके एंड पे नहीं आ रही शायद। जी सॉरी सर आपके एंड पे आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज तो हमें सुनाई तो दे रही है सर। आपकी तरफ से जो मुझे आवाज आ रही है ना, उसमें काफी वो है, लाइक ब्रेकेज है। कोई और अगर अभी बात करे जरा, तो लेट्स सी इफ द नेटवर्क इज फाइन। सर अब आ रही है आवाज? आई डोंट नो, अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो इट्स गुड इनफ, लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। आई डोंट नो इफ इट इज एन इशू एट माई एंड। सर हर आपकी तरफ जी है इशू। सर हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है और दूसरों की भी अब सही आ रही आपकी, है। जी आपकी आवाज अब क्लियर है, आप ठीक है। बहरहाल एनीवेज, कैन एनीवन टेल मी व्हाट रेक्टिफिकेशन इज? सर इसमें ये जो नेगेटिव पल्स है, इसको हम लोग मतलब दो टाइप्स के होते हैं रेक्टिफिकेशन जो करते हैं। इधर इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेंगे, या एक पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर 0 होगा, फिर सेकंड पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हम रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो नेगेटिव पल्सेज हैं, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव एज वेल। तो अब इस केस में क्या होगा, जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो मेरे पास हर पल्स वुड बी लाइक दिस। यानी सारी पल्सेज जो हैं वो इस तरह हो जाएंगी। एम आई राइट? यस। तो जब अगर मैं इस वेव फॉर्म को देखूं, तो इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये एक स्क्वेयर पल्स बन गई है, और ये वो एक पल्स है जिसके अंदर वी कैन एक्चुअली गेट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ आरबी हर्ट्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक बिट टाइम है, दिस इज टीबी एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फ्रीक्वेंसी विच इज आरबी। क्योंकि टीबी का इन्वर्स क्या होता है? टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी किस चीज को शो कर रही है? उस रेट को शो कर रही है जिससे ये पल्सेस जनरेट हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? लेट मी क्लियर दिस। सो इन रिटर्न टू जीरो पोलर, जब ये सिग्नल रेक्टिफाई होता है, इट रिजल्ट्स इन ए पीरियोडिक सिग्नल विच कंटेन्स द डिजायर्ड पीरियोडिक टाइमिंग सिग्नल फॉर फ्रीक्वेंसी रिकवरी। उसमें आरबी का सिग्नल जो है वो हमें रिकवर हो सकता है, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग पल्सेस विच आर ऑफ दिस शेप। क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद नेगेटिव पल्सेस भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, सो वी विल हैव ऑल द पल्सेस विच आर पॉजिटिव, एंड देन वी कैन यूज दिस सिग्नल टू हैव अवर टाइमिंग फ्रीक्वेंसी आरबी हर्ट्स। ठीक है, व्हेन दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू अ रेजोनेंट सर्किट ट्यून टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आरबी हर्ट्स, द आउटपुट विच इज साइनोसाइड ऑफ फ्रीक्वेंसी आरबी कैन बी यूज फॉर टाइमिंग। तो टाइमिंग के लिए तो हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, एक टाइमिंग सिग्नल चाहिए, एक खास फ्रीक्वेंसी चाहिए विच इज आरबी हर्ट्स। लेकिन जो हमें सिग्नल हमने एक्वायर किया है वो तो एक स्क्वेयर पल्स की फॉर्म में है, ठीक है, ये स्क्वेयर पल्स की फॉर्म में हमने एक सिग्नल हमें एक्वायर हुआ। अब हमें पता है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि आर बी हर्ट्ज है। लेकिन हमें पता है जो स्क्वेयर पल्स होती है उसके अंदर उसके हार्मोनिक्स भी होते हैं, इसमें 3 आरबी का सिग्नल भी होगा, 5 आरबी का सिग्नल भी होगा, 7 आरबी का सिग्नल भी होगा। लेकिन हमें जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए वो सिर्फ आरबी हर्ट्ज है। तो हम वो कैसे रिकवर करते हैं? हम एक रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। रेजोनेंट सर्किट्स, यू कैन कंसिडर दीज सर्किट्स टू बी एज फिल्टर्स, या ये एक ट्यूनिंग सर्किट है जो कि खाली एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून हुए हुए हैं। यानी अगर इस रेजोनेंट सर्किट की, ये एक रेजोनेंट सर्किट है, इसकी इनपुट पे मैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का एक सिग्नल दूं, जिस तरह ये एक स्क्वेयर पल्स है, तो ये जो रेजोनेंट सर्किट है ये खाली एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून हुआ हुआ है, या ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फिल्टर है जो खाली एक खास फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, और वो जो रेजोनेंट सर्किट है वो हमने आरबी के ऊपर ट्यून किया हुआ है। तो इस
सिग्नल में जो आरवी का कंपोनेंट है वो पास हो जाएगा, बाकी ये सारे कंपोनेंट फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक प्योर साइनोसाइडल सिग्नल यहाँ पे हमें मिलेगा जो कि आरबी हर्ट्स का होगा, ठीक है। तो हम इस एक जो कॉन्स्टेंट सिग्नल हमें अब मिल रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आरबी हर्ट सिग्नल फॉर द टाइमिंग सर्किट। लेट मी क्लियर दिस। सो व्हेन दिस सिग्नल, ये जो एक हमारे पास एक आरबी हर्ट्स की स्क्वायर पल्स है जो हमने रिटर्न टू जी पोलर को रेक्टिफाई करके हासिल की है, हम व्हेन दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू द रेजोनेंट सर्किट ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी आरबी हर्ट्स, द आउटपुट विच इज द साइनोसाइड ऑफ फ्रीक्वेंसी आरबी हर्ट्स कैन बी यूज फॉर टाइमिंग। सो यू कैन यूज दिस रेजोनेंट सर्किट टू जनरेट अ ट्यून्ड आरबी हर्ट सिग्नल विच इज देन यूज फॉर टाइमिंग। दूसरा हमारे पास जो एक तरीका हो सकता है, एक और जो हमारे पास सिग्नल है वो है फॉर एग्जांपल ऑन ऑफ सिग्नल, ठीक है। अब ये एक और तरीका भी है, आप देख सकते हैं सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो सकती है या नहीं हो सकती। सो अ डिजिटल सिग्नल सच एज ऑन ऑफ, जिसके अंदर वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप वन से, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो से, जो कि ए से रिप्रेजेंट हो रही है, सो दिस ए इज योर ऑन ऑफ सिग्नल, ठीक है। अब हमें पता है, देखा जाए तो ये जो ऑन ऑफ सिग्नल है इसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास वंस भी हैं और फिर ये जीरोस भी हैं, लेकिन हम इस ये जो ऑन ऑफ का सिग्नल जनरेट हुआ है हम इसको यू कैन से इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू सिग्नल्स। अगर आप गौर से देखें कि अगर आपके पास ये एक रैंडम पोलर सिग्नल है, दिस इज अ पोलर सिग्नल, ठीक है, आपको नजर आ रहा है एक पोल ये है एक पोल ये है, ये एक रैंडम सा पैटर्न बनता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एवर योर ऑन ऑफ सिग्नल इज। और इस सिग्नल के अंदर मैं अगर एक इस तरह की पल्स ट्रेन ऐड करूं, इफ आई ऐड दीज टू सिग्नल्स टुगेदर, यू विल सी कि मेरे पास ये वाला सिग्नल बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें, इसका एम्पलीट्यूड है ए बाय टू, इसका भी एम्पलीट्यूड ए बाय टू, तो ये वाली पल्स जब इस पल्स के साथ ऐड होगी तो दोनों पॉजिटिव पल्सेज हैं, तो आपके पास एक पॉजिटिव पीक आ गई, दोनों ऐड हो जाएंगी a बाय टू और a बाय टू ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों पल्सेज ऐड होंगी तो ये a हो जाएगा, ये दोनों पल्सेज ऐड होंगी तो ये बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव पल्स है, ये पोलर जो रैंडम एक सिग्नल जनरेट हुआ है उसके अंदर नेगेटिव पल्स है, माइनस a बाय टू और प्लस a बाय टू, जब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगी तो फिर जीरो आ जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। फिर जब ये और ये ऐड होगा तो ये आपके सॉरी ये और ये ऐड होगा तो आपके पास ये वाली पल्स बन जाएगी। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस ऑन ऑफ सिग्नल एज अ कंटिन्यूस पल्स ट्रेन सम विद अ पोलर सिग्नल। हम ये अजम्पशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी। यस सर जी। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो ऑन ऑफ का सिग्नल है इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट भी है और ये वाला कंपोनेंट भी है, दैट्स व्हाई इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास ये सिग्नल बन रहा है। तो इफ आई लुक क्लोजली कि मेरे पास ऑन ऑफ का जो सिग्नल है, लेट मी क्लियर दिस क्विकली, कि मेरे पास ये जो ऑन ऑफ का सिग्नल है अगर इसके अंदर एक रैंडम पोलर सिग्नल भी है वट एवर दिस सिग्नल इज, लेकिन उसके अंदर ये कंपोनेंट भी है दिस वन, एंड दिस इज द वन विच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि ये वो सीक्वेंस ऑफ पल्सेस हैं जिनको मैं एक रेजोनेंट सर्किट को दूं तो मुझे आरबी हर्ट्ज का सिग्नल मिल जाएगा फॉर टाइमिंग रिकवरी, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सिग्नल जिसके अंदर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों हैं, इस कंपोनेंट को अगर मैं एक आरसी ये आपका रेजोनेंट सर्किट को दूंगा तो आई शुड बी गेटिंग माई आरबी हर्ट्ज सिग्नल। क्लियर? Yes, लेकिन अब ये चीज भी आप देखें, हमने तो जब लाइन कोडिंग की बात की थी तो हमने कहा था कि ये जो ऑन ऑफ सिग्नलिंग है ये इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं और ये वैलिड भी है कि ये जो आपके पास सिग्नल है ये आपके पास इट कंटेन्स दिस कंपोनेंट एंड इट ऑल्सो कंटेन्स दिस कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास,
लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है, जब हमने कहा था कि व्हेन वी हैव लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस, तो ऑल्दो यू कैन से कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो एक रैंडम पोलर सिग्नल बन रहा है उसमें यहाँ पे नेगेटिव पल्सेस होंगी, बेशुमार एक सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव पल्सेस होंगी। लेकिन जब आप फिजिकली इस सिग्नल को देखते हैं, आप इस सिग्नल को जब एक आरसी सर्किट को देंगे एंड यू हैव अ लॉन्ग सीरीज ऑफ जीरोस जहां पे आप जीरो वोल्ट इसको इनपुट पे दे रहे हैं, तो जब इस फिल्टर की इनपुट पे जीरो वोल्ट होगा तो क्या बेसिकली क्या होगा? अब गौर से देखें, क्या आपने शुरू में एक सिग्नल दिया, आपके पास रैंडम एक पल्सेस है, पल्सेस ऑन है ऑफ है, तो ऑब्वियसली दिस आरसी सर्किट विल ट्यून टू आरबी, तो वो आरबी ऐसे जनरेट कर रहा होगा क्योंकि वो सिग्नल उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस आएगा, ये टाइमिंग सिग्नल जो है ये स्लोली डाई ऑफ कर जाएगी क्योंकि अब आपके पास इनपुट के अंदर कोई सिग्नल आ ही नहीं रहा। सो नाउ यू डोंट हैव अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरबी हर्ट्ज विद लॉन्ग जीरोस, दिस आरबी हर्ट्ज सिग्नल विल इवेंचुअली डाई। ये चीज हम रिक्वायर नहीं करते अपनी टाइमिंग के अंदर कि हमारे पास जो टाइमिंग क्लॉक है वो आप लूज कर जाएं एट सर्टन इंस्टेंसेस व्हेन यू हैव लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस। दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि ऑन ऑफ सिग्नल जो है ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट कोड है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिक कंपोनेंट वी कैन एक्सट्रैक्ट द टाइमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट ट्यून टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी। बट अगर आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस आएंगे तो यू वुड लूज योर टाइमिंग इंफॉर्मेशन क्योंकि आपका जो रेजोनेंट सर्किट है इट विल इसकी आउटपुट जो है वो इवेंचुअली डाई ऑफ हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो सिग्नल एट द इनपुट ऑफ द रेजोनेंट सर्किट। क्लियर? यस सर। ओके, सो द टाइमिंग सिग्नल जो रेजोनेंट सर्किट की जो आउटपुट है इट इज सेंसिटिव टू द इनकमिंग बिट पैटर्न, जिसे हमने बात की थी कि इनकमिंग पैटर्न अगर बन रहा होगा तो आउटपुट पे आरबी जनरेट हो रहा होगा। द मोमेंट यू विल गेट लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस यू विल लूज योर आरबी आउटपुट, जो आरबी हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट हो रहा है। सो इन ऑन ऑफ या बायपोलर केस जीरो इज ट्रांसमिटेड बाय नो पल्स, दैट इज व्हाई आपके पास ये दोनों सिग्नल जो है दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट। सो इफ देर आर टू मेनी जीरोस इन द सीक्वेंस there is no signal at the output of the resonant circuit and the sinusoidal output of the circuit starts decaying cause error in timing information. To uski wajah se timing information mein error aana shuru ho jata hai kyunki aapke resonant circuit ki jo output hai wo die ho rahi hai, it is decaying. So a line code in which the bit pattern does not affect the accuracy of the timing information is said to be transparent line code, jis tarah humne manchester coding ki baat ki hai, या दूसरा हमारे पास पोलर रिटर्न टू जीरो का कोड है। दीज कोडिंग स्कीम्स आर ट्रांसपेरेंट क्योंकि इनकमिंग पैटर्न के जो कॉम्बिनेशन है, नो मैटर वेदर इट इज अ वन और इट अ जीरो, यू विल ऑलवेज हैव अ करेक्ट टाइमिंग इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट क्योंकि आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। तो द रिटर्न टू पोलर स्कीम ईच बिट इज ट्रांसमिटेड बाय सम पल्स इज ट्रांसपेरेंट एंड द सेकेंड वन इज मैनचेस्टर, जो इसके मुकाबले में ऑन ऑफ और बाइपोलर जो है दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कंक्लूड्स आवर लेक्चर। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर इटसेल्फ? नो सर। चले, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली दिस कंक्लूड आवर कोर्स। तो हमने चैप्टर नंबर 7 को भी अब डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बट यू विल ओनली फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो दैट एक्चुअली गेव यू अ टेस्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इंशाल्लाह जब आप अपना नेक्स्ट कोर्स आप लोग स्टडी करेंगे उसके अंदर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को, एंड यू विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन कोड, यू विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल कोडिंग, यू विल टॉक अबाउट मल्टीप्लेक्सिंग, यू विल टॉक अबाउट डिजिटल मॉडुलेशन, डिजिटल डीमॉडुलेशन, इक्वलाइजर डिजाइन, ये चीजें आप अपने डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्स में डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। सो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड दिस कंक्लूड्स आवर कोर्स। थैंक यू वेरी मच।